बात भोपाल की करते हैं, जहां आज ट्रैफिक की कमान महिला पुलिसकर्मियों के हाथ में है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी शहरों में महिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए पुलिस विभाग ने यह पहल की और इस दौरान महिलाएं लोगों को जागरूक भी करेंगे, साथ ही वाहन चालकों को समझाइश भी दी जाएगी। आपको बता दें कि 8 मार्च को वुमेन्स डे है और उस दिन होली की छुट्टी के चलते यह आयोजन आज किया जा रहा है। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसके पहले भोपाल पुलिस महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। इसमें खासतौर से पूरे भोपाल शहर की जो प्रमुख चौराहों की ट्रैफिक व्यवस्था है वो महिला कांस्टेबल संभालते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये रोशनपुरा चौराहा है जहाँ पर चारों तरफ महिला ट्रैफिक जो बल है वो लगाया गया है। खासतौर से जो दोपहिया वाहन चालक हैं वो यदि हेलमेट लगाए हैं तो उन्हें उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं और जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उन्हें समझाइश भी दी जा रही है कि किस तरीके से वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। देखिए ये एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने गुलाब का फूल दिया है, ये किस तरीके से अवेयर कर रहे हैं आप? सर जो हेलमेट लगाए हैं पालन कर रहे हैं यातायात के नियमों का और उनको हम ये दे रहे हैं गुलाब महिला दिवस। देखिए महिला दिवस है और आपने ट्रैफिक रूल का पालन किया तो आपका सम्मान भी किया जा रहा है। धन्यवाद सर। देख सकते हैं जो लोग ट्रैफिक नियम का पालन कर रहे हैं उन्हें फूल देकर उनका सम्मानित किया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उन्हें धन्यवाद किया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट लगाए हुए हैं, उन्हें समझाइश भी दी जा रही है ताकि आने वाले समय में वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बच सकें। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले ही भोपाल पुलिस महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए ये अभियान चला रही है और भोपाल के जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं और वो इस बात का संदेश दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करना है ताकि वो भी सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे और मध्य प्रदेश भी सुरक्षित रहे। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।